गायत्री थी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय साचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद की जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसका भाग चार पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कहानी लेखक ने बताई है प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी ने, कि किस प्रकार से जो कृषक समाज होता है, जो कृषक यानी किसान होते हैं, और किसान और जानवरों में किस प्रकार से भावात्मक संबंध होते हैं, इस कहानी के माध्यम से कवि ने लेखक ने बताया है। और यहाँ पर ये जो कहानी है दो बैलों की कथा, इस कहानी से हमें यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश प्राप्त हुआ है, यानी कि ये जो कहानी है इसे स्वतंत्रता, अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया गया है। कैसे? बार बार प्रयास करने पर, संघर्ष करने पर ही सफलता मिलती है या स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ पर दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। इन्होंने भी बार बार संघर्ष किया, प्रयत्न किया, तभी इनको सफलता मिली और इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी प्रकार से यहाँ पर इस कहानी में, दो बैलों की कथा कहानी में, कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनमें और जानवरों में कैसे भावात्मक संबंध होते हैं, और यहाँ पर कहने का भाव यह है, कभी यह संदेश देना चाहता है कि बार बार प्रयत्न करने पर, बार बार प्रयास करने पर, संघर्ष करने पर ही स्वतंत्रता हासिल होती है। यह भारत के जो स्वाधीनता आंदोलन है, अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी को उससे जोड़ दिया गया है। यहाँ पर हीरा और मोती भी जो दोनों बैल है, दोनों मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर और धक्का धपेल करके एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। मूक प्राणी होते हुए भी कैसी भावनाएं उनके अंदर, जानवरों के अंदर होती है। यहाँ के बच्चों, अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी उसमें देखते हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि दोनों बैल जो है झुरी के, दोनों हस्त पुष्ट स्वस्थ है और बिल्कुल अत्यधिक सुंदर सुडोल है, देखने में अत्यधिक ये सुंदर लगते हैं। झुरी उन बैलों को फूल से भी नहीं मारता है, कहने का भाव यह है कि बिल्कुल नहीं मारता है और उन बैलों से अत्यधिक प्रेम करता है, स्नेह रखता है, सहानुभूति प्रकट करता है। एक बार हुआ है कि ये जो है झुरी का ससुराल जहाँ पर है और झुरी का गौशाला है गया, वो एक बार बैलों को लेने आता है, दोनों बैलों को लेकर के जाता है, लेकिन उन बैलों से वो अत्यधिक परिश्रम करवाता है, अत्यधिक कार्य करवाता है। इस कारण बैल जो है बिल्कुल हताश निराश हो चुके, उन पर खूब डंडे बरसाता है, डंडों से पीटता है और बैलों की भी आंखों में विद्रोह की भावना झलकती है। एक दिन दोनों ही बैलों ने सलाह की कि हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए, तो दोनों ने जो है रस्सी तोड़कर वहां से भागे। लेकिन दूसरे ही दिन जो है गया वापस बैलों को लेने आ जाता है और लेकर के जाता है, फिर बदले की भावना गया के अंदर होती है, वो उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा डालता है और अपमानित भी करता है। यह अपमान होता देख करके दोनों बैल जो है मूक भाषा में वापस अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दोनों वहां से फिर भागने की योजना बनाते हैं। एक लड़की होती है वहां पर गया के घर में, भैरव की लड़की, उस
फिर दोनों जो है उनको पकड़ा गया और आगे की कहानी अब हम पढ़ते हैं। दोनों बैलों ने भर पेट मटर खाई मटर के खेत में और मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। प्यारे बच्चों अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड भूखता चला आ रहा है। हाँ सांड है, ये कहानी का तीसरा अंग है और भाग चार है। इस कहानी में आगे हम पढ़ रहे हैं कि दोनों बैलों ने मटर खाई लेकिन अब आगे उन्हें कोई सांड उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं यानी उसे देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है यानी अत्यधिक बड़ा और विशाल है। उसे भिड़ना, जान से हाथ धोना है यानी दोनों बैल सोचते हैं कि सांड से मुकाबला करना, भिड़ना यानी मुकाबला करना, अपनी जान जोखिम में डालना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। उनको ऐसा लग रहा है दोनों बैलों को, अगर मुकाबला नहीं करेंगे तब भी नहीं बचेंगे। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, इतनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, मोती जो है इसने मूक बिल्कुल मौन भाव से कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, यानी हीरा से कहता है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू मिनट न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अब दोनों योजना बना रहे हैं कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। भागना कायरता है यानी मोती हीरा से कहता है कि भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, भाई भागना नहीं है तो फिर जल्दी ही इसके लिए कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें यानी हम दोनों मिलकर के और उस सांड पर एक साथ प्रहार करें यानी संगठन में ही शक्ति होती है। मैं आगे से रगेदता हूँ, मारता हूँ, तुम पीछे से रगेदो यानी उसे मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, अगर दोहरी मार पड़ेगी तो दोनों मारेंगे तो सांड भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय भी हमारे पास नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर उस सांड की ओर झपटे लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा यानी अनुभव नहीं था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदि यानी अभ्यस्त था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा यानी मारा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को मारे हीरा ने, पर ये दोनों भी बड़े उत्साह थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला करके यानी गुस्से में हीरा का अंत कर देना चाहता था, लेकिन मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए, उसेड़ दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड जो है बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, मस्त होकर के खुशी प्रकट कर रहे थे कि उन्होंने सांड को जो है गिरा दिया है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो, कि सांड को बिल्कुल मार ही देना चाहिए। हीरा ने तिरस्कार किया, विरोध किया, गिरे हुए बेरे पर सींग नहीं चलाना चाहिए, जो गिर चुका है, जो नीचे पड़ा हुआ है उस पर हमें सींग नहीं मारना चाहिए, यह सब ढोंग है, बेकार है। बेरे को ऐसा, बेरे यानी शत्रु, शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, भले
चला गया था और उसके गुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि उसका जो साथी है वो संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया, यानी जो रखवाला था उसने दोनों बैलों को पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र गाड़ी को उसमें बंद कर दिए थे। यहाँ पर यह कहानी ये है कि जैसे ही दोनों बैल मटर के खेत में जाना ही चाहते थे, यानी घर पेट खाना चाहते थे, इतने में ही सामने से एक सांड आता हुआ नजर आया। सांड भी इतना बलशाली था, शक्तिशाली था कि उन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने उसे मुकाबला किया डट करके। और इससे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है। दोनों ने मिलकर उस शक्तिशाली सांड जो था उसे नीचे गिरा दिया, पटक दिया। और मोती उसे मारना चाहता था सींग से, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। फिर उसके बाद दोनों ही मित्र जो है मटर के खेत में जाते हैं और मटर खाने लगते हैं। कुछ ही मटर खाई थी कि मोती थोड़ा खेत में आगे चला जाता है तो उसके पैर मिट्टी में धंसने लगते हैं। सींचा हुआ खेत था और हीरा जो है पेड़ पर ही रहता है। उधर दोनों मित्र देखते हैं कि सामने से लाठियां लिए हुए दो युवक आ रहे हैं और दोनों देखते हैं। फिर वो उस खेत का रखवाला था तो दोनों मित्रों ने सोचा एक के भागने से कुछ नहीं होने वाला, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। और जो रखवाला था उसने दोनों को पकड़ लिया और फिर काजी घोष में बंद कर दिया। काजी घोष होती है जहां पर आवारा पशुओं को या फिर किसी भी खेत में फसल खाने वाले पशुओं को उस काजी घोष में रखा जाता है। फिर कुछ रकम दे करके या तो उन पशुओं का, जानवरों का मालिक उन्हें छुड़ा करके ले जाता है या फिर उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। तो उन दोनों को जो है काजी घोष में बंद कर दिया था। आगे देखते ही दोनों मित्रों को कहानी का भाग यानी अंक 4 है। इसमें दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। ऐसा सबक सीखा कि खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। अब वो जो है अपने स्वामी के प्रति सोचते हैं दोनों बैल कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ कई भैंसे थी, बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। यानी कि अब वो दोनों बैल सोचते कि काली घोष में बंद होने से तो अच्छा था कि हम गए के गधे रहते थे। यहाँ पर काली घोष में कई भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे सब बंद थे और चारा किसी को भी नहीं दिया हुआ था, बिल्कुल मुर्दों की तरह वो जानवर पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे क्योंकि उनको समय से चारा पानी नहीं दिया जाता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी जो थी उसे चाटना शुरू किया, पर इससे क्या तृप्ति होती, क्या संतोष मिलता, संतुष्टि प्राप्त होती। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला दोनों को तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। हीरा के दिल में या मन में विद्रोह की ज्वाला क्यों धधक उठी? क्वेश्चन बन रहा है क्यों धधक उठी? क्योंकि वहां काजी घोष में बंद करने पर उन्हें चारा और पानी नहीं मिला था, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने के कारण उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी, जल उठी। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती, यानी उनको अत्यधिक भूख लगी थी और खाने में कुछ नहीं मिला था। मोती ने सिर लटकाए हुए ही जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, हीरा मोती से कहता है। यहाँ से भागने का
कोई उपाय निकालना चाहिए। अब दोनों जो है उस राज्य को से भागने का उपाय सोचने लगते हैं। अब दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, बस किसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब दोनों में जो है हीरा और मोती, दोनों मित्र योजना बनाते हैं कि अब यहाँ से निकलना ही होगा और इस दीवार को तोड़ देते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, यानी हीरा जो था उसके सिंह नुकीले थे और उसने जो कच्ची दीवार थी काजीकोस की उसमें सिंह गड़ा दिए और मिट्टी गिरने लगी। यह देख करके उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटे की, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, यानी दीवार को उड़ेलने लगा। उसी समय जो है काजीकोस का जो चौकीदार था लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला है। उनकी भी प्रोजेक्ट ली जाती थी, हाजिरी ली जाती थी। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे बरसाए, रसीद किए यानी बरसाए उस पर और मोटी सी रस्सी से हीरा को बांध दिया। यहाँ पर काजीकोस ने जो आवारा पशु होते थे या फिर जो जानवर होते थे उनकी हाजिरी को ली जाती थी, इसलिए ली जाती थी कि कहीं कोई पशु वहां से भाग न निकला हो या फिर पूरे ही पशु जानवर जो है वो वहां उपस्थित है, इसलिए उनकी उपस्थिति पता करने के लिए ली जाती थी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, जोर मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ मोती हीरा को समझाता है कि भाई ऐसा करने से हमें प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं, कुछ परवाह नहीं है, यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती, इतने भाई यहाँ बंद है किसी को कि देह में जान नहीं है, देह यानी शरीर, यानी क्यों नहीं थी किसी की देह में जान, क्योंकि उनको खाने के लिए चारा और पीने के लिए समय पर पानी भी नहीं मिलता था, वो मुर्दों की तरह पड़े रहते थे, दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तोला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से यानी विरोधी से लड़ रहा हो। आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने धुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, यानी दोनों मिलकर के और दोनों ने साहस पूर्वक उस दीवार को गिराना चाहा। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, उनमें भी चेतना उत्पन्न हो गई, वो भी उठ करके भागने लगे। तीनों घोड़िया सरपट भाग निकली, वहां पर तीन घोड़िया भी थी, वो भी जल्दी से सरपट दौड़ करके भागने लगी। यह सब देख करके और बकरियां भी कि भाई चलो गरीब की गाय कहा जाता है, सब जा ही रहे हैं तो हम भी निकल जाते हैं, वो भी निकल गई। इसके बाद घुसे भी वहां से खिसक गई, वो भी निकल गई, पर गधे अभी तक जोगे जो ही खड़े थे। गधे को मूर्ख कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक सीधापन गधे में होता है, वो कभी लाभ हानि सुख दुख उसके सब समान रहते हैं, उसे कुछ महसूस नहीं होता या कुछ प्रकट नहीं करता, कभी असंतोष के भाव भी गधा प्रकट नहीं करता है, इसीलिए सहनशीलता और सरलता के कारण गधे को मूर्ख समझा जाता है। और यहाँ पर भी जो व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं और बिल्कुल शांत रहने वाले होते हैं उन्हें भी गधे समझा जाता है। यहाँ पर जो बैल होते हैं उन्हें गधे का भाई समझा जाता है, यानी गधे से थोड़ा ही कम मूर्ख है। गधे का जो अर्थ है मूड वो है
क्योंकि वो कभी कभी बैल जो है अड़ भी जाते हैं, मार्ग में भी दौड़ते हैं और गधा जो है संतोषी प्रवृत्ति का होता है। तो सब जानवर उस काजी को से निकल गए, यानी हीरा और मोती दोनों ने प्रयास करके साहस करके और जो काजी को उसकी दीवार थी उसे गिरा दिया। सभी जानवर जो वहां पर बंद थे वो काजी को से निकल गए, घोड़िया भैंसे बकरिया सब निकल गए, लेकिन गधे अभी भी जो थे जो ही खड़े थे, इसलिए ही उनको मूर्ख कहा जाता है। अब भी गधे जो के त्यों ही वहां पर खड़े थे और हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो, कि भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है कि हम भी भाग ही जाते हैं यहाँ से, लेकिन फिर वापस पकड़ लिए गए तो फिर क्या होगा, क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, बात की बात में देखा जाएगा, अभी तो भागने का अवसर मिला है तुम्हें, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। इसलिए गधे जो है इन्हें बिल्कुल मूर्ख प्राणी समझा जाता है और इस कहानी के अनुसार बात भी बिल्कुल सत्य है, सही है कि गधे तो गधे ही होते हैं, अर्थात बिल्कुल मूर्ख होते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम फिर से पकड़े गए तो यहाँ पर इनको इसीलिए गधे कहा जाता है। धन्यवाद। आगे इस कहानी का जो पांचवा अंक है वो हम आगे